नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे शरीर को डिटॉक्स करने की, यानी हमारे शरीर में जमा विषैले पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने की। दोस्तों कई बार पेट साफ होने पर भी शरीर अंदर से पूरी तरह साफ नहीं होता, कई प्रकार की गंदगी हमारे शरीर के अंदर रह जाती है। ऐसे में शरीर के अंदर जमे विषैले पदार्थों को यदि बाहर नहीं निकाला गया तो वह कई बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना किसी कारण सुस्ती महसूस करने लगते हैं, हमारा खाना ठीक से नहीं पचता, हमारे चेहरे पर अचानक पिंपल्स आ जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपको अपने शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत है, यानी शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की जरूरत है। इससे पहले कि विषैले तत्व आपके शरीर को बीमार बना दे, आपको खुद अपना बचाव करना चाहिए। एक्सपर्ट का मानना है कि डिटॉक्स या डिटॉक्सिफिकेशन आपके शरीर के लिए जरूरी है। असल में अगर आसान शब्दों में बात की जाए तो खुद को डिटॉक्स करने का मतलब है अपने शरीर को ब्रेक देना और पोषक तत्वों के साथ अपने नियमित आहार में कमी करना या आहार में बदलाव करना। इसलिए जरूरी उन चीजों के बारे में जानना है जो शरीर को अंदर से साफ करने का काम करती है। आज हम आपको 10 ऐसी चीजें बता रहे हैं जिससे आपको अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद मिलेगी। खूब पानी पिए। बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे आसान तरीका है अधिक से अधिक पानी का सेवन। दिन भर रोजाना लगभग 8 से 12 ग्लास पानी जरूर पिए। ऐसा करने से शरीर में मौजूद विषैले तत्व यूरिया, नाइट्रोजन आदि मूत्र या पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों हमारे शरीर में 70% मात्रा पानी की होती है और प्रॉपर हाइड्रेशन से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हल्का खाना खाएं। दोस्तों पूरे दिन पूरा भरपेट खाने की बजाय दिन में थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ न कुछ हल्का भोजन खाते रहें। ऐसा करने से शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहती है। इससे कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी भयंकर बीमारियां भी नहीं होती है। ये शरीर से टॉक्सिन दूर करने के उपाय में बहुत कारगर है। ब्रोकली और फूल गोभी, इन दोनों सब्जियों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और फाइबर शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत सहायक है। इन्हें किसी भी रूप में खाना शरीर के लिए फायदेमंद होता है, साथ ही इन्हें खाने से कब्ज की समस्या भी दूर होगी। नारियल पानी। नारियल पानी में एंटीऑक्सीडेंट और इलेक्ट्रोलाइट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये हमारे शरीर से विषाक्तता को बाहर करने में मदद करते हैं। नारियल पानी प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। नारियल पानी में कम कैलोरी होने की वजह से ये वजन घटाने में भी आपकी मदद करता है। इस पानी में पोटेशियम, मैग्नीज, सोडियम, कैल्शियम के अलावा प्रोटीन और फाइबर भी होता है। सुबह उठकर खाली पेट नारियल पानी पीने से पेट की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। इससे कब्ज में भी राहत मिलती है। नारियल पानी में मौजूद पोषक तत्व हमें तुरंत एनर्जी देते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करते हैं, साथ ही ये मोटापा कम करने में भी सहायक है। चुकंदर। चुकंदर को सलाद के रूप में लेने या फिर जूस के रूप में लेने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। एनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए चुकंदर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा लाभदायक है। चुकंदर में पर्याप्त मात्रा में आयरन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो खून को बढ़ाने और उसे साफ करने का काम करते हैं। चुकंदर खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती और आपका शुगर लेवल भी सही रहता है। चुकंदर के जूस में सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, आयरन, विटामिन B1, B2 और विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है। यह जूस हमारी पोषण संबंधी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, इसमें कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है जो वजन कम करने के लिए सहायक है। नींबू। लेमन में अल्कलाइन प्रॉपर्टीज यानी क्षारीय गुण होता है, साथ ही ये विटामिन सी से भी भरपूर होता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स का मुख्य स्रोत है। पानी में नींबू का रस मिलाकर पिए या फिर सलाद पर रस निचोड़ कर खाएं। ऐसा करने से शरीर को डिटॉक्स होने में मदद मिलती है। नींबू पानी को एक उत्तम डिटॉक्स ड्रिंक कहा जाता है। नींबू विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। नींबू में थियामिन, नियासिन, रिबोफ्लोविन, विटामिन B6, विटामिन ई और फोलेट जैसे कई विटामिन्स मौजूद होते हैं। इन विटामिन्स की मदद से
कब्ज, किडनी, खराब गला और मसूड़ों से जुड़ी परेशानियों से निजात मिलती है। विटामिन सी से भरपूर नींबू शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स का काम भी करता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। नींबू में विटामिन सी और पोटेशियम होता है जो पानी में घुलनशील है, इसलिए इसका अधिक इस्तेमाल भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक्सरसाइज शरीर को डिटॉक्स करने का एक बेहतरीन माध्यम है। यदि आप भी अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो रोजाना 45 मिनट व्यायाम करें। अपने दिन की शुरुआत ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग या फिर साइकिलिंग से करें। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ शरीर फिट रहता है बल्कि दिमाग भी तेज होता है। एक्सरसाइज करने से शरीर में एंटीबॉडीज और व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है जिससे बैक्टीरिया नहीं पनप पाते। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। इससे हमारी पूरी बॉडी को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इससे एनर्जी लेवल बढ़ता है। इससे श्वसन प्रणाली सही तरह से काम करती है। यह हमारे डाइजेशन सिस्टम को शांत रखता है, हमारी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करता है, ये हमारे हृदय संबंधी समस्याओं को दूर करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारी स्किन को जवान बनाए रखता है जिससे आप कम उम्र के दिखते हैं। व्रत उपवास। व्रत रखना बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे असरदार तरीका है क्योंकि इससे फैट बर्न होता है जिसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिन मौजूद होते हैं। उपवास रखने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। व्रत का हमारे पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचकर व्रत रखते हैं कि इसी बहाने उनका वजन कम हो जाएगा, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि व्रत करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। व्रत करने से बॉडी में मौजूद विषैले पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। नींद। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए नींद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पूरी रात अगर अच्छे से नहीं सोएंगे तो पूरा दिन तनाव में रहेंगे और तनाव की वजह से हमें हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां परेशान करेगी। डॉक्टर के अनुसार जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में बीटा एमलॉइड प्रोटीन बढ़ने लगता है और इस कारण हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अल्जाइमर, एंग्जाइटी, मोटापा या दिल की बीमारी होने लगती है। रात को सोने से पहले चाय, कॉफी या बीड़ी सिगरेट के सेवन से बचें। शराब आदि का सेवन न करें क्योंकि इससे नींद पूरी नहीं होती है और दूसरी बीमारियों को करीब आने का मौका मिलता है। रात में सोने से पहले पैरों को साफ पानी से धो ले। बिस्तर पर जाने के 20 मिनट के अंदर यदि नींद नहीं आए तो किताब पढ़ने की कोशिश करें। भरपूर नींद लेने से दिमाग को शांति मिलती है और हमारी पाचन क्रिया भी इससे ठीक होती है, साथ ही इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है। बहुत सारी स्टडी बताती है कि अगर आप पूरी रात अच्छे से सोते हैं तो बॉडी में इम्यून सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है जिसको हम टी सेल्स भी कहते हैं। टी सेल्स एक तरह के इम्यून सेल्स है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से लड़ने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी और बॉडी को डिटॉक्स करने में आपको इन उपाय से मदद मिलेगी। अगर वीडियो को लेकर आपके कुछ सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।